अगर हम अपने पेशेंस को कंट्रोल में रखें तो वो बाजार हमको कभी भी इमोशनली ट्रैप नहीं कर सकता है। आपने खुद में डिफरेंस देखा होगा कि जब आप परसों 3 दिन पहले यहां से पहले अकेले ट्रेड करते रहे होंगे तो आपको मार्केट ट्रैप करता रहोगा, बेवकूफ बनाता रहोगा कि अरे यहां से उड़ जाएगा, अरे यहां से गिर जाएगा, बेवकूफ बनाता रहोगा, बाजार आपको इमोशनल फूल बनाता रहोगा। लेकिन जब आप यहां बैठे होंगे पहले दिन, फिर सेकेंड डे और आवाज थर्ड डे, तो तीसरा दिन होते होते आप इस स्थिति में आ गए होंगे कि आपको समझ में आ गया होगा ये मार्केट कहीं बेवकूफ नहीं बनाता है, हम खुद बेवकूफ बनने जाते हैं उस बाजार से। सही है ना? अगर हम उसको इतना सीरियसली ले ही ना, सीरियसली लेना है मतलब उसके मूवमेंट को इतना सीरियसली ना लें जो हम ले लेते हैं कभी कभी एक ग्रीन कैंडल या एक रेड कैंडल को, तो फिर हम बाजार में कभी उलझे ही नहीं, कभी फंसे ही नहीं। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यूज का वेट करना है।